अरे तो तुम मेन रोड से आए हो बट वापस आते टाइम वो मेन रोड ना टूटा हुआ है। खिलवाएगा नहीं तू पैसे भी देगा पैसे। ओए ओए वो पीछे किस में पीछे ही भाग रही है यार जल्दी निकल भाई बैग ही निकाल यार अभी भी भाग के आ रही है ये देख। हेलो गाइस कैसे आप सब मैं कोबाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी ब्लॉग। इस लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा उस दुकानदार ने हमारी गाड़ी के साथ क्या सीन किया जी। हमारी गाड़ी का टायर जिसमें उसने पेचकस मार रखे थे और भी ये देखो एक पंचर दो पंचर तीन पंचर और ये देखो चार उसने चार चार जगह पंचर कर रखे थे। चार पंचर लगवाने के बाद भी मैकेनिक बोला कि भाई ये टायर खराब हो चुका है नया डलवाना पड़ेगा। तो अभी लास्ट टाइम तो वो हमें चकमा दे के भाग गया था। कोई बात नहीं आज मैं विवेक को भी लेने जाना और अभी उस दुकान वाले के पास भी चलेंगे आज मिल गया ना तो भी आज तो बढ़िया पिटेगा हमसे। तो भाई आप लोगों के भी इतने ज्यादा कमेंट आ रखे थे कि भाई सानू कहां पे चली गई। भाई सानू अपने मामा की गई हुई थी अभी वापस आ चुकी है चलो सानू से मिलवाते हैं। अभी मैं सानी की पिटाई करूंगी ले भाई जो मैंने सानू की पिटाई कर दी। सानू बोल लिया अभी पुलिस को बुलाती हूँ ये मिला दिया मेरे क्या बोल रही पुलिस आ रही है आगी। आगी। मैं तो भाग गया सानू पुचिच को गोली मारेंगे डायल डर गया भाग गया क्या हुआ इस डायल के भी खाने का टाइम हो चुका है जल्दी से खाना डाल दे तो वरना मेरे को ही खा लेगा। तो गाइस डायल का खाना आ चुका है के खाने में दही और पराठे। भाई इसका हेड साइज देखो कितना मस्त हो गया खाना भी चेंज कर दिया अभी इसका मस्त वेट बढ़ जाएगा और भी हेड साइज तो इतना तगड़ा हो जाएगा। भाई साहब इतना तेज कौन चिल्लाता है अभी घर से तो निकल लिया था अभी मोहित और विनीत के पास चलते हैं उन्हें बिठाने के बाद फिर चलते हैं विवेक को लेने। तो गाइस ये देखो अंधेरा हो चुका है वो घर पे जाना पड़ गया था गाड़ी दे के आनी पड़ गई तो इसलिए दूसरी गाड़ी ले गया हूँ। वो कहा विनीत कहा है उसकी तबीयत खराब होगी तो भाई अभी पहले विवेक की तबीयत खराब थी अभी विनीत की तबीयत खराब हो चुकी है विवेक तो ठीक हो चुका है उसके पास चलते हैं। और भाई उस दुकान वाले का क्या करना है देखते अगर मिला उसके मारूंगा दो तीन चाटे वो तो भाई इसलिए बार तो बच के भाग गया इस बार तो मैं भी दूंगा उसके। क्या रहा दुकान तो खुली हुई है अरे वो बंदा तो है ही नहीं बंदा नहीं है कोई और बैठा हुआ बोला कि वो तो आ ही नहीं रहा जब से। अच्छा सो गाइस वो बंदा तो यहाँ पे मिला नहीं वो बोला कि भाई वो तो वर्क करता हूँ तो भाग गया। विवेक के पास कॉल तो कर लो जब तक बाहर तो आ जाएगा। कर दी मैंने बाहर है बाहर ठीक है अब ठीक है थोड़ी सी अब तो कर लो ना रिकॉर्ड या भी मना करेगा यार तो ठीक हो गए ना पहले से वो तुमने जो बबू जो भी तुमने दी है ना उसके बाद ठीक है यार कर दिया। सो गाइस विवेक को तो बिठा लिया था अभी घर साइड निकल रहे हैं तो पता है वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं अभी भी उस लास्ट वीडियो के बारे में कौन सी हॉरर वीडियो के जो अपनी वीडियो डिलीट होगी है यार वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट होगी या तो नहीं तो करी होगी वो पागल है यार मैं वीडियो डिलीट खुद क्यों करूंगा यार उस वीडियो में यार बहुत ही खतरनाक चिंता भी से तो तेरी तबीयत खराब है तुम ठीक कह रहा यार उसी दिन से मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। भाई उस वीडियो का अभी तक सीन समझ में नहीं आ रहा वो वीडियो डिलीट कैसे हुई तो उसी दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि वो वीडियो रिकवर हो जाए नहीं लग रहा भाई वो वीडियो रिकवर हो पाएगी अब भाई होनी होती तो अभी तक हो जाती और भाई टाइम हो गया यार उसको यार वो तेरे पास सेव है नहीं है क्या नहीं है भाई कैसे रास्ते पे ले आया तू भाई साहब यहाँ पे तो लाइट वाइट भी कुछ नहीं है यही रास्ता है ना बाकी जाने का रास्ता यही है भाई। गाइस पता नहीं इसने किस रास्ते पे घुसवा दिए क्या सीन है यार पता नहीं कैसा देख खेतों का रास्ता पता नहीं उस दिन तो नहीं था यार जिस दिन हम इसके पास गए थे। अरे यार वो जो मेन रोड है बिल्कुल ही ज्यादा टूटा हुआ बहुत ज्यादा पानी वाणी देख ना यार याद हो गया ये मेन रोड देख। सो गाइस फाइनली रास्ते पे तो आ चुके हैं ये वाले रास्ते ना दिन में ही ठीक है भाई वैसे रात के टाइम पे ना बहुत ज्यादा सुनसान भी देख कैसा रोड है यार पूरा रोड तो टूटा हुआ। अरे यार पक्का तो आ गया उसकी तरह कच्चा तो नहीं है उसमें तो भाई ऐसा लग रहा था गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी एक जगह कीचड़ मिल जाता तो वहीं पे धस जाती है। आज तो इन्होंने वही काम कर दिया गूगल मैप भर लिया और जब से चले जा रहे टूटे फूटे रस्तों पे। हाँ खा ले तू तो यहीं पे डिनर कर ले सब कुछ अब क्या दिखा रहा है अब कितना क्या दिखा रहा भाई एक घंटा कैसे सुन बैठे हुए हैं बोलेगा कुछ एक घंटा दे रहा हूँ तुम्हारी बकवास हमारी क्या पता नहीं है और चलते जा रहे दो घंटे हो गए तुम्हें हद होगी यार कभी किसी रस्ते पे कभी किसी रस्ते पे मैं तो परेशान हो चुका हूँ भाई ऐसे रोडों पे चला के भाई अब मैंने भी कोई दे दी गाड़ी खुद ही चला लेगा चला ले भाई तू चला लूंगा मैं बकवास चला ले अब मैं तो आराम से बैठूंगा। और ये कौन है लिफ्ट मांग रहा है अरे छोड़ यार यार इस टाइम पे नहीं लूटपाट वाला सीन ही हो जाएगा भाई बुढ़ी औरत लग रही थी यार इतनी रात को यार किसी की मदद तो सही बता हाँ मेरे को बुढ़ी लग रही थी कोई झुकी हुई थी यार भाई अगर कोई बुजुर्ग है तो यार भाई किसी को बुजुर्गों को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं रस्ते में भाई ओए कहाँ जा रही है भाई कोई बुढ़ा ही है यार अरे अम्मा कहाँ जाना है दादी कहाँ जाना है बेटा के टाइम छोड़ चलो बैठो 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 तो बैठा आजो 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 आपको कहाँ पे उतरोगे आप यार आगे ताई तार
मेरे हिसाब से तो आधे घंटे का रास्ता और रह गया। आधे घंटे का रास्ता था कुल 45 मिनट का, इसने बना दिया डेढ़ दो घंटे का। मैं और मोहित आए थे ना, कितनी जल्दी आ गए थे भाई हमें? हम तो बहुत जल्दी आ गए थे उस दिन तो यार। अरे तो तुम मेन रोड से आए बट वापस आते टाइम वो ना मेन रोड ना टूटा हुआ है। तो इसने शाम का खाना छुड़वा दिया भाई, तू ही खिलवाएगा खाना ठीक है? खा लियो, मैंने कब मना करा है? खाना खिलवाएगा खिलवाएगा नहीं, तू पैसे भी देगा? पैसे पूसे की नहीं है ये, भगवान ने ये दो हाथे रखे खिला दूं भाई। अरे तेरे हाथों से नहीं खाऊं, हाथों से पोटी करके हाथ भी नहीं धोता। जरूर गाइस, इसका एक और सिगरेट रिवील कर दिया मैंने, पोटी करके हाथ नहीं धोता। अरे ये बकवास मत कर ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हां तो रहने दे, इसको आगे देख के चला ले, जल्दी से किसी रेस्टोरेंट पे लगा दे और खाना खिला भाई। सो गाइस घर से भी इतने ज्यादा कॉल आ चुके भाई, इसी के घर से इतने कॉल आ चुके कि भाई अभी तक घर पे नहीं पहुंचे तुम। अरे बट गूगल के रास्ते पे ले गए और सारी बातें गूगल पे डाल दी कि हां भाई इसकी गलती है, बस आड़ा ही रोक दो। यहीं पे रोकना है क्या? चले। सो गाइस ये देखो, हर जगह तू नहीं पहुंचाएगा आज घर पे भाई। कोशिश तो कर रहा हूं ना, जा। कोशिश तेरी कोशिश कामयाब ही नहीं हो रही है देख। गाइस फाटक वगैरह आ चुकी है अभी, पता नहीं कहाँ पे रेलवे ट्रैक। एक काम करे यहाँ पे बीच में रोक दे भाई, रेल अपने आप ले जाएगी हमें। अभी थोड़ी देर बाद बादल घट आ जाएगा। हाँ देख रहे हैं तेरा कितनी देर बाद आएगा। अरे यार ये उसकी गुड़िया रहेगी यार। किसकी गुड़िया? अरे उस अंटी की गुड़िया रहेगी। गुड़िया रहेगी यार। एक काम कर, ज्यादा आगे तो आए नहीं, एक काम कर पीछे चलो वापिस दे आते हैं। बच्चे के क्या लग रही है यार ये गुड़िया? तो ऐसी लग रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं सानू को ही दे दूं इस गुड़िया को। क्या बोलते हो? अरे नहीं यार उनकी कोई बच्ची अच्छी हो यार। चल भाई वापस ही आते हैं। अब कैसी जगह यार ये, कोई बुढ़िया देखी आपने आगे जाते हुए? इधर को गई तो है। आगे गई है तो यहाँ पे कोई घर वर कुछ है क्या? कुछ नहीं, घर नहीं है। फिर कहाँ पे गई भाई? आगे जाके ट्राई करते भाई, कैसी जगह है ये यार? इतनी बुजुर्ग औरत यहाँ पे क्यों आई है यार? सो गाइस अभी इतनी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे तो कोई भी घर, यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं दिख रहा यार। इस तरह कोई घर नहीं है यार। काम करे यार, गाड़ी से ही आ जाती है। इतनी दूर आगे पता नहीं कितनी दूर चलना पड़ेगा। ओए ये क्या सीन है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गाइस यहाँ पे तो घूम फिर के देख लिया काफी, दो तीन जगह पे देख लिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा यार। एक काम करते गाड़ी ले आते यार। चल फिर गाड़ी लेके आते भाई, क्या पता कितनी आगे जाना पड़े। कोई घर नहीं दिख रहा भाई यहाँ पे, देखियो वो भी बोल रहा था कि फर्स्ट टाइम ही दिखी। क्या चक्कर है यार ये, अभी ये पकड़ाते हैं अपने, चलते हैं घर पे। चल चल गाड़ी लेके आते हैं, चल चल। अभी गाड़ी लेने तो आ चुके भाई, क्या पता कितनी आगे जाना पड़ जाए। ये जगह है कितनी अंदर है यार भाई, सब पैदल तो यार। इसी जगह पे रहती है वो पैदल, यहाँ पे नहीं रहते भाई। यहाँ पे कोई भी घर वर कुछ नहीं है भाई, घर ही नहीं यहाँ पे। रू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है भाई? तो भाई अपन देखने के लिए जा रहे हैं यार, ये क्या सीन है यार? भाई पैदल आते तो भाई ऐसे घूमते ही रहते, कितना लंबा रास्ता देखियो। ओए वो सामने रूम रहा, उसकी साइड ले, रूम की साइड ले थोड़ा। ओए ओए आगे रास्ता नहीं है भाई, आगे रास्ता नहीं है। इतनी रात को यार सेफ नहीं है भाई, हर जगह देख ले यार, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई इतनी देर हो चुकी है घूमते हुए यार, कोई भी बंदा नहीं दिख रहा भाई साहब। क्या फोकस लाइट मारियो? क्या वो आवाज ही आई थी वहां से? कहां से आई आवाज? कोई था क्या वहां पे? ओए क्या हो गया शादी? अरे ये तो रही यार। ओए अरे ताई, आपकी गुड़िया रह गई थी गाड़ी में। अरे ताई और यार इतनी देर से ढूंढ रहे थे। ओए वो पीछे किसकी आ रही भाई? गाड़ी में बैठ जल्दी, स्टार्ट कर यार। पीछे ही भाग रही यार, जल्दी निकल भाई, बैग ही निकाल। अभी भी भाग के आ रही है ये, देखियो तेरी भाई साहब। ओए अभी भी पीछे है यार वो भाई साहब, यहाँ से निकल जल्दी। जल्दी इसको किसी रोड पे चढ़ा यार, मेरे को तो ऐसा लगा इसने कुछ बोल दिया उसको, इसलिए गुस्से में यार। अरे यार पता नहीं तो ऐसे मैं जब उसको टोल से दे रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा था, वो भाग लिया यार। मेरे को तो लगा तूने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया इसलिए वो गुस्से में आ गई। नहीं यार मैं तो सिर्फ ये चीज बोली थी कि भाई आप चला भी नहीं जा रहा था, फिर कैसे भागने लगी वो भाई? तो कैसे भाग के पीछे आ गई हमारी गाड़ी के आगे आगे भाग रही एक्टिंग तो नहीं कर रही थी ऐसी भाई? वो क्या पर्पस था उसका एक्टिंग करने का भी, अगर वो एक्टिंग भी कर रही थी तो यार वो बुजुर्ग ही थी ना कोई, ऐसा तो ना है कि कुछ भाई थी तो बूढ़ी, पर भाई समझ नहीं आ रहा वो। सो गाइस अभी फाइनल रोड पे तो आ चुके हैं। पोर्टल दी यार साइड में क्यों लगा रहा है भाई यार? रुक जा यार, रुक जा भाई। क्या सीन है यार?
भाई मेरे को तो नहीं पता क्या सीन हो गया ये। तुम तो आगे बैठे थे, मैंने तो उसके हाथ देखे थे यार, पता नहीं बहुत अजीब से हाथ थे यार, शक्ल भी कितने अजीब से हाथ थे यार। वो पूरा ढक रखा था, वो तो थोड़े बहुत हाथ दिख रहे थे, वो तो मैंने देखा उसके हाथ कैसे थे। हमारे तो 1% भी ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। उसके देखे यार नाखून भी कितने बड़े बड़े थे यार, नाखून बड़े। जब उसका चश्मा गिरा ना उसकी आँख देखता बिल्कुल व्हाइट थी पूरी आँख, पक्का व्हाइट आग थी। हाँ यार मैंने देखा था, मैं तो यार एक बार बोलने वाला तुम्हें, फिर मैं सोचा यार इसके सामने क्या बोलूं यार। मेरे को लगा था कि यार यार कोई बुजुर्ग है यार, लिफ्ट दे दो। और भाई साहब किसी का भला करने की सोच रहे थे तो हमारे ऊपर उल्टी बात आ जाती आज। जो वहाँ पे वो उतरी थी वो बंदे ही बोल रहे थे कि वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है। फिर वो वहाँ पे कर आज के टाइम पे ऐसे कपड़े वगैरह कौन पहनता यार। बाल बाल देखे उसके, बाल भी थोड़ा अजीब से, बाल अजीब, आंखें वाइट, स्किन भी थोड़ी सी अजीब सी थी जितना मेरे को, और बड़े बड़े नाखून भाई साहब मेरे को तो पक्का वही लग रही है, ओल्ड विच नहीं होती है। चश्मे भी इस वजह से पहन रखे थे उसकी ताकि आंखें ना दिखे। तो गाइस अभी तो घर साइड निकल रहे और काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो गाइस वापस घर पे तो आ चुके हैं। आप लोगों को भी टाइम दिखाता हूँ, ये देखो अभी 2 बजने वाले हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस टाइम निकले थे हम, अभी किस टाइम वापस घर पे आए हैं। भाई हम रास्ता भटक गए थे, सारा टाइम इधर उधर घूमने में निकल गया। आज का तो अभी तक समझ नहीं आया उस ओल्ड लेडी का क्या सीन था। मेरे को तो पक्का शक जा रहा है कि वो कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करते ना वैसी थी, क्योंकि भाई जो वो बैग ले रखी थी उसमें से उसने डोल निकाल ली थी और भी पता नहीं क्या क्या सामान था। उसमें हमारे पीछे भाग ली थी, वहां से निकल आए थे क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो रही थी और भी रिस्क नहीं ले सकते थे। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे दिन में जाके चेक करेंगे। अभी तो काफी लेट हो चुका है, अभी मैं खाना पीना खाऊँ और मैं जल्दी सोने जाऊंगा। इस वीडियो को एंड कर देते, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तुम्हारे भाई का चैनल अलबादी का। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।